जबरदस्ती सर्दियों की स्पाइसी चिकन चॉपर फिर तैयार करते हैं, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड, आपको सलाम अरुषा का यू आर कुकिंग कॉर्नर में। सर्दियों की शाम आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सर्दी हो रही है इस टाइम, और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी डिश। आज हम बनाएंगे फ्ले नगेट्स, बनाएंगे चिकन के आज हम ज़बरदस्त से, और उसको भी हम स्टिक में लगा के आपको डेकोरेट करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ बहुत अच्छे इसको मसाला लगाती हैं, वो अच्छा बनाती हैं। मैंने माँ से सीखा है, माँ ने मम्मा से सीखा है। ये नगेट्स फ्ले बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने ये फ्ले लिए हैं चिकन के, 1 किलो फ्ले हैं। ये बहुत अच्छे बनाती हैं ये फ्ले नगेट्स चिकन के महा। ये हमने फ्ले के 6 पीसेस लिए हैं। चलिए अब हम इसको मसाला लगाएंगे ज़बरदस्त सा, और इसको हम क्रम्स लगाएंगे। ये क्रम्स हमने लिए हैं, ये 2 एग लिए हैं हमने, ये हमने 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ली है, ये सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, सिरका लेंगे 1 टेबल स्पून, और केचप लेंगे सादा वाला, या आप सॉस भी ले सकते हैं केचप की। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमारी स्टाइल से बनाइए आप नगेट्स फ्ले, बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए अब चलते हैं चिकन नगेट्स फ्ले तैयार करने। अब महा आने वाली हैं, और फिर हम इसमें मसाला लगाएंगे। महा भी वो चावल बॉईल कर रही हैं, और साथ अब इसके बनाएंगे हम बघारा हुआ दही। बघारा हुआ दही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक। शास्त्री स्टिक हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने इसकी रेसिपी बताई हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये ट्विन नगेट्स बन रहे हैं। नगेट्स तो छोटे होते हैं, मगर हम फ्ले के नगेट्स आपको बना के दिखाने, यानी बड़े बड़े, यानी कि डबल टेस्ट आएगा। टेस्ट आपको दोनों मिलेंगे इसके अंदर, जैसे नगेट्स में होते हैं, बल्कि ट्विन वन, उससे भी टेस्टी बनेगा। ये नगेट्स छोटे होते हैं, हमने इसको फ्ले की बड़ी पीस ले लिए हैं। ये यूनिक डिश बन जाएगी किस तरीके से हमारी। चलिए भाई व्यूअर्स, ये मसाला लगाएंगी महा इस पर। अस्सलाम वालेकुम सामीन, पहले हम लगाएंगे अदरक लहसुन लगाएंगे ना, ज़्यादा हो जाएगा फिर। अब ये तो खोलना पड़ेगा। ये महा ऐड कर रही है 1 टेबल स्पून सिरका वाइट वाला, और सोया सॉस डालेंगी। अभी बहुत अच्छे बनाती हैं। 2 टेबल स्पून डालें, और ये गार्लिक सॉस होती है ये भी डालें। आपने उसे ऐसे बनाए थे? पिसी भी काली मिर्च, स्पाइसी खानी है तो फिर ज़्यादा डालें। सॉल्ट, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, टेस्टी। आप हमारी रेसिपी से बनाइए। अब इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के छोड़ देंगी वहाँ इसको, 20 से 25 मिनट छोड़ दें इसको। ये फिर इसके अंदर हो जाता सब मसाला मिक्स। बहुत जल्दी डिश बनती है ये, और बहुत टेस्टी बनती है। सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। फ्राई की भी चीज़ अच्छी लगती है। ये देखिए महा ने पूरा ये मिक्स हो चुका हुआ है, आधे घंटे या 20 मिनट के बाद इसको फिर फ्राई करेंगे। स्टिक पे हम ला के आपको दिखाएंगे ज़बरदस्त सा। आप चलते हैं, हम अंडे में हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और सॉल्ट डाल के उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम एग में फ्राई करके आपको और क्रम्स लगा के फ्राई करके दिखाएंगे ज़बरदस्त सा। ट्विन फ्ले नाम है इनका। 10 से 20 मिनट के बाद हम आपको एग लगा के और क्रम्स लगा के फ्राई करके दिखाएंगे। ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। ये हमारे फ्ले नगेट्स के क्रम्स हैं, 2-in-1 फ्ले नगेट्स चिकन के। ये हम एग इसमें तोड़ेंगे, 2 ले लीजिए आप। थोड़ा सा ब्लैक, ये हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे, ये हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें।
अब इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखिए हमने एग अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं नगेट्स को फ्राई करने, इस पर लगाएंगे और नगेट्स फ्राई करेंगे हम। ये एग हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, ले नगेट्स चिकन के फ्राई करेंगे, आपको फ्राई करके ज़बरदस्त सर्व करके दिखाएंगे। सर्दियों में बहुत अच्छी डिश होती है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त डिश है, फ़ौरन तैयार होती है, ये लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं बच्चों को और जब उनका दिल चाहे उनको बना के दे सकते हैं। छोटे बड़े बच्चे सबको ये बहुत पसंद होती है। हमने टू इन वन बनाई है, नगेट्स छोटे होते हैं, हमने फ्ले के पीस में नगेट्स तैयार किए हैं। टू इन वन टेस्ट आएगा आपको इसके अंदर, आप मेरी रेसिपी से बनाइए। ये देखिए हमने ये 3 स्पून हमने ऑयल लिए हैं, ये गोल वाले, इसमें डाल दिए, अभी गर्म हो रहा है। अब हम इसके अंदर अपने फ्ले नगेट्स फ्राई करेंगे। चलिए आइए अब उसको एग लगाते हैं और क्रम्स लगा के फिर फ्राई करते हैं, तो हमारा ऑयल रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसका मसाला हमारा मैरिनेट हो गया अच्छी तरीके से। अब वहाँ इसको पहले एग में लगाएंगे और फिर क्रम्स लगा के पूरी डिश में रख के फ्राई करेंगे। चलिए वहाँ करें, ये देखिए वहाँ लगा रही हैं इसको, एग लगा के फिर क्रम्स लगाएंगी इसको। ये बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, 2-in-1 है ये। नगेट्स तो छोटे होते हैं मगर हमने इसको फ्लेक और नगेट्स बना दिया है। अब हम फ्राई करेंगे फिर हम आपको ज़बरदस्त सा इसको डेकोरेट करके दिखाएंगे। 1 by 1 आपने ऐसे ही करना है, ये बहुत इजी डिश है, बहुत जल्दी बनती है और वहाँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर लग रहा है फिश के पीस, सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, फिश के पीस लग रहे हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हमारे घर में किसी से भी कोई बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, सब आप ऐसे बाहर होते जा रहे हैं। 1 by 1 सारे आपने ऐसे ही करने हैं। ये देखिए महा ने और मैंने मिलके इसके ऊपर पूरा मसाला लगा लिया हम दोनों ने, महा ने ये रेडी कर दिया। ये हमारे 10 पीस हैं फ्ले, ड्रेस बना दिए 10 पीस हैं हमारे ये फ्ले चिकन के, ठीक है। फ्ले चिकन नगेट्स हमारे यहाँ फ्राई होने जा रहे हैं, आप हमारी रेसिपी से बनाइए, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये, टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। सर्दियों में बहुत तो बहुत अच्छी लगती है कॉफ़ी और चाय के साथ। चलिए फ्राई करते हैं। ये महा ऐड करने जा रही हैं, ये हमारे फ्राई होंगे, बस दो दो करके पहले फ्राई करते हैं ना, दो ही आएंगे, दो दो करके पहले फ्राई करें, बहुत अच्छे और क्रिस्पी फ्राई होते हैं ये। अभी जैसी फ्राई, हाँ फ्लेम इसकी स्लो रहनी दीजिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा वरना ये जल जाएंगे, स्लो फ्लेम पे ज़बरदस्त हो रहे हैं। फिर हम आपको जब ये हो जाएंगे फ्राई हमारे ज़बरदस्त, हम आपको डेकोरेट करके दिखाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। ये देखिए हमें पलटा दिया है इसको, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। दो दो करके आप फ्राई कीजिएगा और स्लो फ्लेम पे कीजिएगा क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तेज़ फ्लेम पे करेंगे और जल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। भगारे हुए दही केचप और सोया सॉस के साथ आप खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी हो गया है, प्लेट 2 इन 1। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, सब 1 by 1 ऐसे हम फ्राई करेंगे। ये महा और ऐड कर रही है इसमें, बड़े वाले पीस डालें पहले ना। ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पूरे किचन में भाग गया उसकी खुशबू से, मज़ा आता है चाय के साथ कॉफ़ी के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, इसको भी हमने पलटा दिया है, कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं हमारी ये। आप ये ज़रूर फ्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी से। वाओ ज़बरदस्त हमारे चिकन नगेट्स रेडी हो गए हैं, चिकन फ्ले नगेट्स रेडी हो गए हैं। ये सरप्राइज़ था आप लोग के लिए, चिकन फ्ले चौकबार हमारी रेडी हो गई है। देखिए पूरी चौकबार बनी है हमारी ये ज़बरदस्ती, आप हमारी रेसिपी से बनाइए। कितनी ज़बरदस्त हमने डेकोरेटिंग की है इस चौकबार की, ये हमारी चौकबार है, हमने आपके लिए सरप्राइज़ रखा था, नमकीन चौकबार का। अब जाएँ, ये हमारा दही है भगारा हुआ और ये हमारा सोया सॉस है, ये हमारा केचप है, इसे जाइए लगा इसे टच करके खाइए और बच्चों को भी बना के खिलाएँ, बच्चे बहुत शौक से पसंद करेंगे और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है और देखने में भी बहुत खूबसूरत यूनिक बनी है। अब जाइए ये चौकबार खिलाइए, चौकबार वैसे भी मेरी फेवरेट है इसलिए मैंने चिकन की चौकबार बना दी आप लोगों के लिए। हमें रेसिपी से ट्राई करें,
मेरे अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। शेयर करें, दुआ में शामिल करें, कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।